कोरोना महामारी के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार की ओर से 21 से 30 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रविवार से इस अभियान की शुरुआत प्रदेश भर में होगी। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को इस अभियान के माध्यम से जोड़ा जाए। इस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 22 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अभियान की डिजिटल लॉन्चिंग करेंगे। इस लॉन्चिंग में पंचायत स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। लॉन्चिंग के दौरान सीएम गहलोत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं सभी प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में पेयजल, मनरेगा, कोविड-19 की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। क्योंकि लोग ये समझ बैठे हैं अनलॉक वन के बाद में कि कोरोना खत्म हो गया है, और जिस ढंग की असावधानियों की खबरें सरकार के पास आ रही हैं, लोग समूह में इकट्ठे हो रहे हैं, हाथ धोने से परहेज कर रहे हैं, मास्क लगाने से बच रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमने राज्य में पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था की है, पर्याप्त आईसीयू बेड की व्यवस्था की है, पर्याप्त आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की है, पर्याप्त वीटीएम किट की व्यवस्था की है, पर्याप्त टेस्टिंग की है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास पर्याप्त पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आम आदमी सावधानी छोड़ देगा तो खतरा टला नहीं है, और एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य में मैसिव प्रोग्राम चलेगा जन जागरण का 21 जून से 30 जून के बीच में, और ये जनता का अभियान बने इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। 22 जून को इसी कार्यक्रम का डिजिटल लॉन्च मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के तमाम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित लगभग 1 लाख लोगों को इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाएगा। अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। 21 से 30 जून तक इस अभियान के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जाएगा। 22 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अभियान की डिजिटल लॉन्चिंग करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में लोगों से अपील भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। क्या कुछ अपडेट है दिनेश इस पूरे अभियान की? बिल्कुल, देखिए आशीष, अनलॉक वन के बाद सब कुछ लगभग खोल दिया गया है, तो सरकार ने यह तय किया है कि 21 से 30 जून तक एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। आमजन को कोरोना संक्रमण का न बढ़े इसके लिए जागरूक किया जाए, इसके लिए 21 से 30 जून तक इसकी शुरुआत की जाएगी। कल से इस अभियान की शुरुआत होगी और सोमवार को यानी 22 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अभियान की डिजिटल शुरुआत करेंगे, और पंचायत स्तर तक के जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं इस अभियान में शामिल होंगे। करीब 1 लाख लोग इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो 22 जून को होगी इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से जो प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी सचिव हैं, उनको भी निर्देशित किया है कि 22 जून से प्रभारी अपने जिलों में जाएं, वहां पर समीक्षा बैठक करें। साथ ही जो मुख्यमंत्री की डिजिटल लॉन्चिंग होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो डिजिटल लॉन्चिंग करेंगे, उसमें सभी अपने प्रभार वाले जिलों से जुड़े, सभी जो प्रभारी मंत्री हों या प्रभारी सेक्रेटरी, सभी अपने प्रभार वालों में जिलों पर दौरे पर रहें, और डिजिटल लॉन्चिंग के समय वहीं से वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। साथ ही पेयजल, नरेगा, तमाम जो ऐसी योजनाएं सरकार की ओर से कोरोना संकट के समय आमजन को राहत देने के लिए फोकस किया गया है, तमाम उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। प्रभारी मंत्री समीक्षा करेंगे और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से अभियान की शुरुआत होगी और किस प्रकार से सरकार लोगों को जागरूक करने में जुटेगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।